एचआरडी विभाग द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रशिक्षण मूलक कार्यक्रमों के आयोजन किए जाते हैं। ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन करने का इनका एकमात्र उद्देश्य है आईएसपी एम्प्लॉयज को नई तकनीकियों की जानकारी देना तथा सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। इसी सिलसिले में गत 11 एवं 13 दिसंबर 2018 को कॉन्फ्रेंस में एचआरडी द्वारा आईएसपी के गैर कार्यपालकों के लिए पॉजिटिव माइंडसेट एंड मोटिवेशन पर दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। जीएम पीएनडी श्री केवीआर राजू ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। स्पेक्ट्रा लर्निंग के फैकल्टी मेंबर श्री अतुल प्रियदर्शी एवं श्री आलोक कुमार ने कार्यस्थल और व्यक्तिगत जीवन पर पॉजिटिव माइंडसेट और सेल्फ मोटिवेशन पर सभी को प्रशिक्षण दिए। वहीं दूसरी तरफ 12 दिसंबर 2018 को कॉन्फ्रेंस में टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ मटेरियल्स हैंडलिंग सिस्टम पर हाफ डे ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया गया। ईडी प्रोजेक्ट्स श्री एआर दासगुप्ता ने इस विषय पर सभी को प्रशिक्षण दिए। इस प्रशिक्षण में आरएमएचपी, सिंटर प्लांट, ब्लास्ट फर्नेस, बीओएफ एंड सीसीपी, एलडीसीपी प्रोजेक्ट्स से लगभग 28 कार्यपालकों ने हिस्सा लिया था। सर्वप्रथम जीएम पीएनडी श्री केवीआर राजू ने उपस्थित सभी का स्वागत किया। इसके बाद प्रेजेंटेशन द्वारा श्री दासगुप्ता ने सभी को प्रशिक्षण दिए। वहीं 15 दिसंबर 2018 को एचआरडी सेंटर में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर हाफ डे ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम ईडीएमएम श्री एसपी सिंह ने इस प्रशिक्षण सत्र का उद्घाटन किया। इनके अलावा इस अवसर पर जीएम पीएनडी श्री केवीआर राजू तथा डीजीएम एचआरडी डॉक्टर श्री चंद्र मौली भी उपस्थित थे। इस प्रशिक्षण में आईएसपी के विभिन्न विभागों से लगभग 32 कार्यपालकों ने हिस्सा लिया था। जीईएम एक सरकारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा सरकारी संगठनों के लिए गुड्स और अन्य सर्विस की आपूर्ति की जा सकेगी। इस कार्यक्रम का आयोजन इस पोर्टल के इस्तेमाल के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा उस पर प्रशिक्षण देने के लिए की गई थी। आशा की जा रही है कि भविष्य में भी एचआरडी द्वारा कर्मचारियों के ज्ञान को बढ़ाने हेतु विभिन्न तकनीकी प्रशिक्षण के आयोजन किए जाएंगे।